कभी सोचा है क्या कि स्कूल क्यों जाते हैं, कोचिंग क्यों जाते हैं, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, कराटे क्लास, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस क्यों करते हैं, मैथ्स में हम साइंस का थीटा, कॉस का थीटा क्यों पढ़ते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में ना पेरेंट्स सोचते हैं, ना टीचर सोचते हैं, ना स्टूडेंट सोचते हैं। टीचर सोचते हैं तो बताते, पर स्टूडेंट पेरेंट की समझ में ये सब चीज़ नहीं आती, क्योंकि हम मार्कशीट के पीछे चलते हैं। गणित में अच्छे से अच्छा पढ़ाने का ये मकसद होता है कि आप बौद्धिक स्तर पर बहुत अच्छे हो पाए, संसार की चीजों को जान पाए, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, संसार में साइंस क्या काम कर रही वो जान पाए। लेकिन जो स्किल वाली चीज होती है, जैसे डांस है, म्यूजिक है, आर्ट है, स्पोकन है, ये सब चीज है, इनमें आप अपने स्किल पर काम करते हो, आप अपने आप को बढ़ावा देते हो, आप अपने आप को बढ़ाते हो, निखारते हो, इसीलिए इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है। स्पोकन इंग्लिश में जब आप आते हैं तो आपको माइक मिलता है, स्टेज का फियर। आप पता है संसार का सबसे बड़ा डर, हेजिटेशन, संसार का सबसे बड़ा डर क्या है पता है? यस, संसार का सबसे बड़ा डर है स्टेज फियर, पब्लिक फियर, लोगों से डरना। जब लोगों के सामने आप जाते हैं तो अंदर का एक हैवान पैदा हो जाता है और वो कहता है मरेगा मत कर। उस हैवान पर जो जीत है वही वास्तव में आपकी जीत है। जिस दिन आप उससे जीत जाते हैं आप संसार में सबसे जीत जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब आप बोलेंगे सर आपने ये तो समस्या बता दी, अब इसका निराकरण या इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन है पब्लिक को फेस करिए। देखिए बीमारी का इलाज दवाई खाना और परहेज करना है, ऐसे ही पब्लिक को फेस कीजिए। अपने बच्चों को डांस क्लास अगर भेजते हैं तो नंबर एक पर आने की कहिए, संगीत क्लास की बात करते हैं तो नंबर एक पर आने की बात कीजिए। जब कभी आपका बच्चा संगीत और म्यूजिक या इंग्लिश या कोई चीज सीखता है, आपके घर में कोई आता है तो आप उसे बोलते हैं हाँ ये करके बताओ, गाना गा के बताओ, डांस करके बताओ, बिल्कुल आप करिए, लेकिन उसको मोटिवेट करिए कि बेटा इनके सामने डांस करोगे तो आपका डर खत्म होगा, करिए। और आप भी उसके साथ मैदान में उतरे थोड़ा सा करके आप हट जाए वो करने लगेगा, देखिए फिर खुद करने लगेगा, सपोर्ट कीजिए। और बच्चों को तो खासतौर से किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर मत कीजिए, उसी के पुराने समय से कंपेयर कीजिए, उसे कुछ याद नहीं, उसको पुराने समय से कंपेयर कीजिए। पहले तुम अच्छा डांस कर लेते थे, एक बार कहते थे बात मान जाते थे, आप करके देखिए। तो आप जब अपने बच्चों का भविष्य निर्माण करें तो भविष्य निर्माण में या फ्यूचर के लिए आप जो बिल्डअप कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, उसका करियर बना रहे हैं, उसमें इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए, जिसको कहना चाहिए स्किल पर, वो इंग्लिश की। चूंकि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ कि इंग्लिश में आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को घर में बोलना शुरू कीजिए। आपकी इंग्लिश तो अच्छी होगी, मम्मी की, पापा की, पड़ोसियों की, सबकी होगी, साथ में बच्चे को कॉन्फिडेंस आएगा। इंग्लिश में डर लगता है, डांस में डर लगता है, किसी भी चीज में डर लगता है, ये डर लगता है ना मैं फेस कर रहा हूँ। बच्चों को कोरोना टाइम के बाद बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो प्रॉब्लम हो रही है सिर्फ एक ही चीज के लिए, डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है, हेजिटेशन है, संकोच है। बारहवीं पास हो गए, कॉलेज पास हो गए, लेडीज है, महिला है, टीचिंग करने जा रही है, फिर भी पसीना छोड़ रही है, डर लग रहा है। क्या है ये डर? ये डर नहीं है, ये उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया है। अरे क्यों डर रहे हैं? हम किसी के बाप को खा रहे हैं क्या? हम अपने पिताजी की कमाई खा रहे हैं, हम क्यों डरेंगे किसी से? डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप डरते हैं तो अपने आप से सवाल कीजिए, हमें जितना आता है बोलेंगे, जितना आता है बताएंगे, नहीं आता सीखेंगे फिर बताएंगे। मम्मी के पेट से कोई सीख के आता है क्या? कोई नहीं आता। इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको उठना है, आपका रोम रोम कांप जाए। आप ये सोचिए कि आज ये पहला और आखिरी मौका मिला है, अगर ये मौका आपने अपना निकाल दिया तो लाइफ में डबल से मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने हेजिटेशन को जीरो करने के लिए खुद से बात करिए, खुद का निर्णय करिए, और हो सके 24 घंटे में 5 मिनट आईने से जरूर बात करिए। अगर आप आईने से बात करेंगे, खुद से बात करेंगे, तो खुद का डर जो आपके अंदर है उस डर से जीत जाएंगे। तो डर के आगे जीत है। आप प्राइम मोटिवेशन का ऐसे ही फॉलो करते रहिए, रोज आपको एक नया शॉट मिलेगा, नया आपको वीडियो मिलेगा। आप डरिए मत, क्यों? क्योंकि हम, यस याद आ गया, हम किसी के बाप का नहीं खाते, हम अपने पिताजी की कमाई खाते हैं। हम क्यों डरेंगे? डरेंगे नहीं, जितना आएगा बताएंगे, नहीं आएगा सीखेंगे फिर बताएंगे। डरिए मत। ओके, सो वी विल मीट सून नेक्स्ट वीडियो टुमारो। टेक केयर, गुड बाय।